मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। नहीं माँ जी, कुछ नहीं माँ जी, सुनिए माँ जी, पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं माँ जी, पुलिस को मत। अच्छा अभी बता क्या कहना है तुझे। माँ जी बाप, इन नोटों को और जेवरों को क्या पैर लग गए जो तेरे बिस्तर के नीचे जाके छुप गए? देख गंगा, अगर फकीर को राजा का सिंहासन भी मिल जाए ना तो भी उसके हाथ खुले रहते भीख मांगने के लिए। मैंने नहीं चोरी की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहती, कहीं से भी इलाका लेकिन बहू के लिए कुछ इंतजाम करता मैं। अपने घर में चोरी करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नाम की कोई चीज अगर होती इसके पास तो शादी से पहले पूरब के साथ अपना मुंह काला नहीं करती। अच्छा जो भी इल्जाम लगाना है मुझे पर लगा दो, अपने बेटे पर थोड़ी लगाओगे। लेकिन कभी ये सोचा है जो लड़का इस घर की नौकरानी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, शादी से पहले अपना मतलब निकाल सकता है, एक कुंवारी लड़की को माँ बना सकता है, वो चोरी नहीं कर सकता? जो लड़का ये सब कुछ कर सकता है वो अपने शराबी बाप की तीमारदारी के लिए चोरी नहीं कर सकता? गंगा ठीक है, कह रही तू? हाँ बाबू जी मैं सही बोल रही हूँ, ये पूरब की चाल है, क्योंकि उसे आपका सीता जी के घर जाना पसंद नहीं है। और वैसे भी जब से रमाकांत आया है ना, जोंक की तरह चिपक गया पूरब से, पूरब का तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये झूठ बोल रही है, और आप कुछ क्यों नहीं बोलते कि आपको भी इसकी बात पर यकीन हो रहा है? क्यों ना करें यकीन, और क्यों माँ जी आप भूल गए रमाकांत ने किस तरह आपकी कबाड़ में से पैसे चुराए थे, पूरब ने किस तरह मकान के पेपर चुराए थे, दोनों ने मिलकर किस तरह धोखे से मकान बेच दिया था? क्यों बाबू जी भूल गए? क्या वही पूरब चोरी नहीं कर सकता, दूध का धुला है? बस गंगा बहुत हो गया, अब मैं पूरब के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। कैसे संभाली चाचा?